नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यक्षिणी साधना में जितनी तरह की यक्षिणियाँ होती हैं सबके सबका साधना में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पिछले बार मैंने एक यक्षिणी की साधना आप लोगों को बताई, ठीक है, वो आकर्षण की थी। अब ये दूसरी यक्षिणी है जिसकी साधना मैं आपको बताऊंगा, विभ्रमा यक्षिणी का नाम है। विभ्रमा अगर आप संस्कृत शब्द है, अगर आप इसको इंग्लिश में समझें तो बड़ा एरोटिक सा एक इसका मतलब आता है कि जिसमें एक सेक्स अपील हो उसको विभ्रमा कहते हैं। तो बहुत लोग बहुत तरह के आकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत तरह के मोहिनी का प्रयोग करते हैं, जग को पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए कुछ मंत्र करते हैं। तो विभ्रमा एकमात्र ऐसा मंत्र है कि अगर आप इसको कर लो तो कम से कम जो अपोजिट सेक्स है वो आपसे हमेशा आकर्षित रहता है। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा कि आप ऐसे तांत्रिक साधनाएं दे रहे हैं तो कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तंत्र इतनी आसान चीज़ नहीं है, मतलब इतना आसान खेल नहीं कि कोई भी कर ले। और जो जितना खतरनाक तांत्रिक मतलब जो फ़ायदा होता है उतना ही खतरनाक होता है उसको करने का क्रिया, ठीक है। आपको अगर लग जाए कि वाह आज तो रुद्रनाथ जी ने दे दिया एक ऐसा साधना कि अब हर एक महिला और हर एक स्त्री मेरे पे मरती रहेगी, तो भाई साहब अभी रुक जाओ। जब ऐसी साधनाएं आती हैं तो इनके साथ बहुत सारे क्या कहते हैं दूध भूत भी आते हैं, ठीक है। कोई भी साधना इतना सिंपल नहीं होता। और यक्षिणी जो है, यक्षिणी बड़ी मूडियल होती है। देखो, मैंने अपने जीवन में पहली यक्षिणी को तब देखा जब मैं जानता भी नहीं था कि यक्षिणी क्या होती है, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बताया कि पिछले जन्म का था, तुम फिर से साध लो। उसके बाद उन्होंने पूरा व्याख्यान बताया कि यक्षिणी का क्या क्या लक्षण है, क्या क्या होगा जब आएगी, नहीं आएगी, कैसे रखना होगा, क्या करना होगा। मैंने साष्टांग दंडवत कर लिया गुरु जी को, मैंने बोला मेरी यक्षिणी है, इसको आप रख लो। फिर गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने किसी चीज़ में उसको बिठा के मुझे दे दिया। तो जब यक्षिणी को मैंने पहली बार देखा था तो मेरे घर का स्ट्रक्चर, मैं बैठ के किताब पढ़ रहा था और मेरे घर का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। और वो खिड़की के ओर से आई और दुल्हन के वेश में थी और इतनी अद्भुत सुंदर कि वैसी अद्भुत स्त्री मैंने तो आज तक इस पृथ्वी पर, चर पृथ्वी पर नहीं देखा है। तो लेकिन मुझे छोड़ करके उस समय किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि समय स्थिर हो गया है। और उसके जाने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये होती यक्षिणी। पिछले जन्म में शायद किसी तंत्र साधना में मैंने एक यक्षिणी रखी थी। देख लो, जीवन जीवन का साथ रहता है यक्षिणी का। दूसरा बात ये कि यक्षिणी आपके जीवन में, अगर इस तरह की यक्षिणी को आप रखोगे तो आपके जीवन में किसी भी महिला का प्रवेश निषेध रहेगा, ठीक है। वो खुद इतना डिमांडिंग होती है कि आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाने देगी। चलिए तब आते हैं इस यक्षिणी की साधना में। ये यक्षिणी आपको वो आकर्षण देगी जिससे कि आप और दूसरे स्त्रियों को के लिए आकर्षण का केंद्र बने, लेकिन साथ में यही यक्षिणी आपको अपने आकर्षण से बाहर नहीं निकलने देगी। आपका हर तरीके से उस फील्ड में आप बढ़ोगे, लेकिन मैंने जैसा बताया कि हर एक तांत्रिक क्रिया का अपना एक दुष्प्रभाव होता है, तो वो इसमें भी रहेगा। मंत्र मैं अभी आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र को याद कर ले पहले। जनरली आप क्या करते हैं कि मंत्र लेकर के बैठे, उसके बाद उसको जाप करते करते आप याद कर लेते हैं, लेकिन इस मंत्र को ऐसा नहीं करना है। इस मंत्र को याद करके ही बैठना है। अगर आप बीच में मंत्र के मतलब जाप करते करते आपने गलत कर दिया, दुर्गा सप्तशती वाला हिसाब है कि अगर आपने गलत पढ़ा तो फिर से पूरा शुरू करें। तो इसीलिए इस खास करके इस यक्षिणी की साधना में बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये भगवती का रूप मानी जाती है और काम की देवी है। आपने कामदेव के बारे में सुना होगा, काम की देवी यही यक्षिणी है। तो इसका जब भी आप साधना करने बैठें, इसका मंत्र आपको कंठस्थ हो, ठीक है।
एकदम आप अभी जब स्क्रीन पे 6 बजता देखेंगे तो आपको ये मंत्र दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे, और ये देखिए ये है मंत्र। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है क्रिया शुरू होने के पहले। क्रिया करने का दिन कौन सा रहेगा? मंगल रहेगा, बहुत अच्छा। शनिवार रहेगा, बहुत अच्छा। ऐसे तांत्रिक क्रियाओं के लिए हर दिन ही अच्छा होता है। अगर कोई बहुत विशेष प्रयोजन का मतलब होता है किसी भगवती का दिन हो, किसी महादेव का दिन हो, भैरव का दिन हो, अगर ऐसा कोई दिन ना हो तो हर रोज़ ही तांत्रिक क्रिया करने के लिए अच्छा होता है। तो इस मंत्र को आपने याद कर लिया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको शाम में जाना है सूर्यास्त के समय। जी सूर्यास्त का पहले नहीं, बाद नहीं, सूर्यास्त का समय होगा उस समय जाइएगा श्मशान। वहाँ से आप मिट्टी उठा कर ले आइएगा, ठीक है। अगर आप श्मशान में ही क्रिया करने वाले हैं तब भी आपको मिट्टी वहाँ की चाहिए। मिट्टी का मतलब मैंने शायद गलत बोल दिया, राख चाहिए होगा आपको। जब आप ये साधना करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके आसपास कोई भी ना हो, ना आपका कोई जानकार ना हो, आपको कोई बचाने वाला ना, आपको कोई पहचानने वाला। यह बिल्कुल ही एकांतवास में करने वाला साधना है। इसका एक कारण ये भी है कि आपको इस साधना को करते समय कपड़े नहीं पहनने होते, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक शांत जगह खोज लें, ठीक। वहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जिस तरफ कैलाश पर्वत है, सूर्यास्त के बाद जनरली कोई भी पूजा कैलाश पर्वत की तरफ होता है, तो नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठ जाए बिना आसन के। जो ज़मीन है उस ज़मीन पर ये पूरा मंत्र श्मशान की राख से लिख ले। एक घी का दिया जलाए और आपको कपूर निरंतर जलाते रहना है। कपूर जो है वो रुकना नहीं चाहिए जलना, ठीक है। आपको जो उक्त मंत्र दिया गया है उस मंत्र का 20,000 जाप करना है मात्र। आपने 20,000 जाप कर लिया, आपको प्रत्यक्षीकरण होगा भगवती का, यक्षिणी का। और उसके बाद आप इन आपके बुलाने पर, मतलब ये जो मंत्र आपको दिया यही इसी मंत्र से ये आएंगी भी, तो जब भी आप इनको बुलाएंगे ये आएंगी और आपका जो भी मन का भाव होगा वो ये सुनेंगी। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि इनको रखना बहुत ही कठिन है क्योंकि ये पत्नी स्वरूप में ही रहती हैं। तो दूसरा यक्षिणी साधना पूरा हुआ। तीसरे में मैं धन यक्षिणी की साधना बताऊँगा। अभी अगले वीडियो में आज किसी गुरु भाई ने मुझे बोला है कि दुर्गा सप्तशती और नवारण मंत्र के बारे में बताएं, तो मैं कुछ वीडियोस अभी देख रहा था नवारण मंत्र का और दुर्गा सप्तशती का, तो काफ़ी ज्ञानी लोग हो गए हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ स्तोत्र कैसे पढ़ते हैं, क्या शब्दावली होगी स्तोत्रों की, क्या क्रम होगा जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब मैंने टारगेट किया है अपने गुरु भाई के कहने पे कि मैं आने वाले नवरात्र, मतलब अभी जो नवरात्र आता है गुप्त के बाद वाला जो अप्रैल में के आसपास पड़ेगा, मार्च अप्रैल में, उससे पहले आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का पूरा विषय समझा दूंगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती ना कर पाए तो कितना करें कि आपको दुर्गा सप्तशती का लाभ हो ये समझा दूंगा। आज के लिए आप सभी को आदेश आदेश। आप लोगों को अगर पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल के विषय में और जानना है तो मेरी एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप खरीद कर पढ़ें। अमेजोन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, मतलब जितना भी ऑनलाइन पोर्टल्स है सब जगह मिल जाएगा आपको। मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो आस्मी फॉर ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल पे भी है, उसमें आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, रुद्रनाथ सर्च करें, आपको मेरा नाम मिलेगा, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक आखिरी बात, आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें। अभी के लिए आप सभी को अलग आदेश।